नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एकदम नजदीक है और बहुत पूरे देश और दुनिया में इस दिवस को मनाया जाता है। योग को लोग अपनी जीवन शैली में इस्तेमाल कर रहे हैं, दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। तो योग दिवस है तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी जोर शोर से इस दिवस को मना रहा है और काफी अच्छे बहुत सारे बैच यहां से एक समय में पास आउट हुए हैं योग के स्टूडेंट्स के। तो काफी अच्छा डिपार्टमेंट यहाँ पर योग का है। तो हम जानते हैं कि इस बार के योग दिवस की थीम क्या है और किस तरह से इस दिवस को मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के योग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं हम इस बार। तो इसकी जो थीम है, स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, इस बार इसकी थीम है जो आयुष मंत्रालय द्वारा रखी गई है। जी, तो मैं आपके पास आती हूँ। जी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी योग डिपार्टमेंट में हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो बड़ा अच्छा लग रहा, आप लोग बहुत ही जोर शोर से लगे हैं हफ्ते भर से कार्यक्रम। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल है ना। तो काफी स्टूडेंट्स को भी आपने इन्वॉल्व किया है और योग तो एक ऐसी चीज है कि उसमें प्रधानमंत्री से लेकर एकदम लेवल स्तर का व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। अपने लोग अपनी छतों में योग करते हैं उस दिन। तो दीपक जी, आपके पास आती हूँ। सबसे पहले इस दिवस का थोड़ा सा बताइए कि क्या व्याख्यान जो आप रखने वाले हैं वो क्या होगा। मैम, कल हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय परिवार में CDS बिपिन रावत जो भवन है उसमें हमारा योग दिवस का कार्यक्रम सुबह शुरू होगा, जिसका समय हमने रखा है आयुष मंत्रालय प्रोटोकॉल के अनुसार उसका समय रहेगा। उसका समय 6:30 बजे से हमने रखा है पहुंचने का, जो शुरू करेंगे हम 6:45 से हम शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले दीप प्रज्वलन होगा और कुलगीत होगा हमारा। उसके बाद योग गीत होगा, उसके बाद सामूहिक जो योगा प्रोटोकॉल है इस मंत्रालय द्वारा उसके अनुसार योग कराया जाएगा। फिर उसके बाद संक्षिप्त जो विवरणी रखी जाएगी, जो हमारा साप्ताहिक योग कार्यक्रम जो चल रहा था उसकी संक्षिप्त रूपरेखा विभाग अध्यक्ष योग द्वारा रखी जाएगी। फिर स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के निर्देशक महोदय द्वारा उनका उद्बोधन होगा। फिर माननीय पुलकोति जी का उद्बोधन होगा। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन हेतु माननीय कुल सचिव महोदय जी करेंगे। फिर सूक्ष्म जलपान के बाद यह कार्यक्रम हमारा समापन होगा। अच्छा, तो कोई व्याख्यान का विषय भी कुछ रखा है क्या योग से संबंधित? नहीं, मैं हाँ मैम, आयुष मंत्रालय द्वारा एक प्रोटोकॉल आता है उसके अनुसार ये योग दिवस मनाया जाता है। उसमें वही की चीजें होती हैं जो प्रोटोकॉल के अनुसार आई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल जी, आप बताइए कि थीम क्या है इस बार की? मैम, ये जैसा कि तो डॉक्टर दीपक सर ने भी बताया है, ये 10th इंटरनेशनल योग डे इस बार मनाया जा रहा है और 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार क्या है कि जो थीम है मैम, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थीम है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। आपने देखा भी होगा दैनिक जीवन में भी, जब हम खुद अगर अपने ऊपर कोई चीज करते हैं तो वही चीज रिफ्लेक्ट होती है, वही समाज स्वीकार भी करता है। अगर हम स्वयं से कोई चीज नहीं करेंगे तो समाज भी उसको नहीं करेगा। तो ये थीम इस बार की अगर देखा जाए, बड़ी फोकस्ड थीम है, बहुत अच्छी थीम है। तो योग का अगर हम वैसे भी देखें तो योग एक आसनों तक, पहले भी मेरी कभी चर्चा रही होगी, तो योग केवल आसनों तक ही सीमित नहीं है। उसमें हम डाइट थेरेपी है, हमारा डाइट कैसे हमको संतुलित आहार लेना है, यम और नियम का जो हमारे मोरल एथिक्स है, कैसे हमको बात करनी है, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, व्यवहारिक शुद्धि है हमारी, तो ये सब चीजें आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, तो एक ओवरऑल एक कम्प्लीट पैकेज देती है। तो जब हम इसको आत्मसात करते हैं स्वयं में, इसी को देखते हुए समाज भी उसको स्वीकार करता है। तो जो कोई भी चीज अगर अपेरेंट होती है, सरफेस पे चीजें होती हैं, तो वो कभी भी चीजें ना घटित नहीं होती बड़े लेवल पे। तो जब हम उसको उतारेंगे दैनिक जीवन में खुद से, तो वो जाके समाज उसको स्वीकार करेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो इस बार की थीम है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये रखी गई है। बहुत अच्छी थीम है। और इसके अलावा जो योग शिविर आप चला रहे थे, जी आपने इनोवेशन, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बताइए कि वो क्या था, नया प्रयोग? मैम, वैसे तो देखा जाए तो हम हमेशा ही योग जो विभाग है हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का, चाहे हमारी वर्कशॉप रही हो, चाहे हमारे देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जो संख्या है योग के ही स्टूडेंट्स की रहती है, और योग के स्टूडेंट्स हमारे पूरे इंडिया के हर एक बॉर्डर से आते हैं। जैसे कि तो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, बॉर्डर वाले इलाके हैं, उसमें कई सारे जॉब वाले रहते हैं, आर्मी मैन रहते हैं, तो इस तरह से करके अलग अलग मास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं जो, और योग के हमारे पूरा छात्र है जो एल्यूमिनाई है, और जो अभी वर्तमान में भी अभी जो योग के कोर्सेज में अभी हम वो एनरोल्ड हुए हैं, जैसे कोई MA वाला फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, या कोई डिप्लोमा BA, इस तरह से अलग अलग जो स्टूडेंट है वो अपने अपने जगहों पे रह के वो लोग, हमने जो ये अभी जो वर्तमान में जो आप ये बात कर रहे हैं, इसमें हुआ क्या था कि हमने एक चीजें क्लिक हुई थी, जो हमारे विभागाध्यक्ष महोदय है उन्होंने हमसे कहा था कि यार क्यों ना हम इस बार एक योग का शिविर शुरू करें। योग शिविर कुछ इस तरह का रहे कि यूनिवर्सिटी के साथ एक
ज्वाइंट उसमें तत्वाधान में उसके कि कोई स्टूडेंट उसको शुरू करे जिससे कि तो योग की प्रेरणा जन जन तक पहुंचे। इसके तहत हमने भारत के कई सारे राज्य हैं जैसे कि तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, और आपका क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, तो मणिपुर है, बहुत दूर दूर तक हमारे जितने भी स्टूडेंट फैले हुए हैं उन्होंने सबने इस काम को कहा कि हम वाकई इसको करेंगे और ये तो हमारे लिए प्रेरणा की बात है। जबकि देखा जाए निशुल्क है ये, इसमें हम कोई भी उनको पेमेंट नहीं दे रहे, उन्होंने अपने तरीके से स्टार्ट कहा। हमने सबसे पहले इसके लिए बच्चों को जोड़ा, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसके बाद भी बच्चों का जो इंटरेस्ट आया वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ था। ये इतना पैसा दे के भी कोई नहीं करता, ये ऐसी एक वो चीज़ है, लेकिन जो बच्चों ने खुद से करके इंस्पायर होकर कि नहीं हमारे योग विभाग ने कहा है और को खुद भी करना चाहिए, और वर्तमान में जो उनके फीडबैक आ रहे हैं, जो करते करते अभी ये आज 21 दिन कल 21 दिन हो जाएंगे उसके, जो फीडबैक आ रहे हैं फीडबैक में भी बच्चे कह रहे हैं कि सर अगले बार भी हमको इसी तरह से हमको ही आप नॉमिनेट करना कि हम योग शिविर लगाएं। अपने क्षेत्र में लगाए, अपना पैसा खर्च किया, अपनी जगह पे लगाए, सार्वजनिक जगहों पे लगाए, कईयों ने स्कूल में लगाई, कईयों ने हॉस्पिटल ने, किसी ने अपने घरों की छतों में लगाए, घर में अंदर पे बड़े बड़े हॉल थे वहां लगाए, तो इतने बच्चों को जोड़ा, लड़के लड़कियां सब हमारे उसमें है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जेंडर हो, लड़के लड़की हर एक एज ग्रुप का, बड़े एज के भी, 60 साल से ऊपर वाले भी, महिलाएं भी, पुरुष भी, सभी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। वो लोग हमको निरंतर फोटोज भी भेजते रहते हैं अपनी जो भी उनकी योग क्लासेज होती हैं, और उनकी जो प्रेस में पब्लिश भी करवाते हैं उसको, तो वो भी सब हमको, हमने उनके डॉक्यूमेंट्स भी रखे अपने पास। इसमें जो सबसे मेजर चीज मुझको लगी कि एक तरह से सेवा तो है, हर कोई स्वीकार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का स्वार्थ पैसों से रिलेटेड भी जुड़ा रहता है, यार हम सेवा भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अर्निंग हो। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हैं, मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसा देख रहा हूं कि वो निस्वार्थ होकर ये काम कर रहे हैं और वो बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा ले रहे हैं, और ये तो फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। अगली बार मुझे ऐसी उम्मीद है अगर हम इन्हें अगले बार भी कंटिन्यू किया तो मास लेवल पे ये चीजें होंगी, और ये हाँ ये प्रेरणादायक भी होगा सोसाइटी के लिए भी। तो बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत विस्तार से आपने ये इस बार नया इनोवेशन किया है। जी जी, तो दीपक जी आप कुछ बताइए कि कल का जो मुख्य दिवस है क्या क्या रूपरेखा है कल की? मैम कल की रूपरेखा जिसे मैंने आपके समक्ष रखी है उसी प्रकार से योग दिवस मनाया जाएगा। बाकी जो इस रेडियो के माध्यम से जो हमारे श्रोतागण इसको सुन रहे हैं या लर्नर से जो सुन रहे हैं उनको मैं इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूं कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें, और जो हमारे विभिन्न प्रतियोगिताएं 15 जून से 21 जून तक हुई हैं, इस प्रतियोगिता का कल पुरस्कार वितरण भी होना है। उसमें जो प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान जो प्राप्त करेंगे उनको प्रमाण पत्र, उनको ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया जाएगा जी। तो मैं आपके रेडियो के माध्यम से उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप सभी लोग योग दिवस के उपलक्ष में यहां पर अपनी आने का यहां कष्ट करें। तो बहुत दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, और आपने देखा कि कैसे तमाम जो अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं तमाम राज्यों के, उनको इस बार इन्वॉल्व किया गया है और निःशुल्क शिविर लगाए गए हैं लोगों के लिए। तो एक बहुत ही शानदार पहल है उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय के योग विभाग की, पूरी टीम को आपको बधाई है। इसी तरह से योग जो है वो हर घर तक पहुंचे और हम सब निरोगी काया वाले बने, हम सब जी बिल्कुल आज की जरूरत है। तो बहुत शुक्रिया अनिल जी और दीपक जी आपका इतना व्यस्त से आपने हमारे श्रोताओं के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो दोस्तों आप सभी कल आमंत्रित हैं उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय में, आइए योग करिए, अपने विश्वविद्यालय के साथ जुड़िए, योग का डिप्लोमा यहाँ से लीजिए, आपका स्वागत है। तो फीडबैक दीजिएगा अपना जरूर इस कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो दीपक जी और अनिल जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।